फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 21 है। सब्जेक्ट रहेगा चाइल्ड साइकोलॉजी, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की ये वीडियो नंबर 21 है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक वीडियो आई थी, वीडियो नंबर 19। उस वीडियो में एक क्वेश्चन था कि भोर का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है, भोर का तारा। तो उसमें बाय मिस्टेक जो है आंसर बृहस्पति हो गया था, लेकिन मैंने बहुत सारे फैक्ट्स चेक करे हैं, साइट्स पे भी चेक किया है, तो आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो शुक्र है। तो भोर का तारा जो है शुक्र है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये गलती मेरे से हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगली वीडियो की। वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है। वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है, कौन सी विधि होती है वो? समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। तो वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है समस्या समाधान विधि। आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे रामायण पढ़ाने के लिए? कौन सी विधि को? कहानी विधि। कौन सी विधि को? कहानी विधि। सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह होती है जिसमें सबसे अच्छी शिक्षक विधि कौन सी होती है, जिसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, जिसमें कि विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, तो वह विधि जो है अच्छी शिक्षक विधि होती है, सबसे अच्छी शिक्षक विधि होती है। पाठ्यपुस्तक विधि को माना जाता है, पाठ्यपुस्तक जो विधि है उसको क्या माना जाता है? उसको एक पारंपरिक विधि माना जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि को जो माना जाता है पारंपरिक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि इनमें से क्या है? तो ये विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए, पाठ्यपुस्तक विधि क्या है? विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए पाठ्यपुस्तक विधि होती है। सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को बनाना है, सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को बनाना है, तो बालक को क्या बनाने के लिए सामाजिक ज्ञान पढ़ाया जाता है? एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए पढ़ाया जाता है सामाजिक ज्ञान, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है, तो वह कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है? तो वो भ्रमण विधि है, उस विधि को कहते हैं भ्रमण विधि, जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है। निम्न कक्षाओं में ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण हेतु आप कौन सी शिक्षण पद्धति प्रस्तावित करेंगे? निम्न कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण हेतु आप कौन सी शिक्षण पद्धति प्रस्तावित करेंगे, कौन सी शिक्षण पद्धति को आप यूज करेंगे, दूसरों को बताएंगे कि यूज करें, तो वो होती है निरीक्षण विधि। कौन सी? निरीक्षण विधि। निम्नलिखित में से कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है? भाषण विधि जो होती है उसमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा उसका दोष नहीं है भाषण विधि का? तो ये स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है, आत्म श्रम को हतोत्साहित करती है, इसमें अनावश्यक बातों का समावेश हो सकता है, ठीक है, ये सब जो है दोष हो सकते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये दोष नहीं है। प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हर्बर्टसन ने प्रादेशिक विधि की स्थापना की थी, हर्बर्टसन ने। प्रायोजन विधि के जनक किस देश से संबंधित थे? प्रायोजन विधि के जो जनक थे वो किस देश से संबंधित थे? तो
तो वो अमेरिका के थे जिन्होंने प्रायोजन विधि को जो जनक माने जाते हैं प्रायोजन विधि के, वो जो हैं अमेरिका से थे। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते, निम्न में से कौन सी ऐसी विधि है जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? तो वो है समस्या समाधान विधि जो होती है वो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती। योजना व समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है? योजना विधि और समस्या समाधान विधि में क्या अंतर होता है? तो निष्कर्षों की दृष्टि से दोनों अलग होती हैं, निष्कर्षों की दृष्टि से दोनों अलग होती हैं, योजना और समस्या समाधान विधि। मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति है, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली कौन सी पद्धति है, कौन सी विधि है? तो वो है समस्या समाधान विधि जो होती है वो मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति होती है। कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है? कौन सी ऐसी विधि है जो कि वैज्ञानिक ढंग से किसी भी समस्या के हल पर बल देती है? कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है? तो ये होती है समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती, कौन सी विधि होती है ये, जिसमें कि कक्षा दो दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है, तो ये होती है वाद विवाद विधि। कौन सी होती है? वाद विवाद विधि। कहानी कथन विधि से बालकों में किस चीज़ का विकास होता है? कहानी कथन विधि से बालकों में किस चीज़ का विकास होता है? कल्पना का। तो कहानी कथन से किस विधि से बालकों में विकास होता है? कल्पना का। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति बताइए। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति बताइए, तो ये खेलकूद विधि। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कौन सी होती है? खेलकूद विधि। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है, जिस विधि में अध्यापक तो सक्रिय होता है लेकिन बालक निष्क्रिय होता है, कौन सी होती है? वो होती है कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि, जिसमें कि अध्यापक सक्रिय होता है लेकिन बालक जो है निष्क्रिय होता है। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें, मतलब कौन से ऐसी जो सबसे अच्छी विधि है उसमें क्या फीचर है, बेनिफिट क्या होने चाहिए? तो विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं अधिक हों तो वो सबसे अच्छी शिक्षण विधि होती है। समस्या समाधान विधि में कितने सोपान हैं? समस्या समाधान विधि में कितने सोपान हैं? तो इसमें 5 सोपान हैं, 5 सोपान हैं समस्या समाधान विधि में। यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो आप पात्राभिनय विधि जो होती है उसको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। अगर आप दहेज की समस्या को पढ़ाना चाहते हैं तो पात्राभिनय विधि। प्रायोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता, प्रायोजन विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? किसने, कौन है जन्मदाता? विलियम किलपैट्रिक, विलियम किलपैट्रिक प्रायोजन विधि के जन्मदाता, जनक। यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो ये पात्राभिनय विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो दहेज की समस्या पढ़ाने के लिए कौन सी? पात्राभिनय विधि। प्रायोजन विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन है, प्रायोजन विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो ये छात्रों में निराशा पैदा होती है, ये प्रायोजन विधि के दोष नहीं है, प्रायोजन विधि का दोष नहीं है, छात्रों में निराशा पैदा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ठीक है, हैव ए नाइस टाइम, और बने रहिएगा हर रोज़ नए वीडियो के लिए मेरे साथ।